बुधवार को स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर नगर निगम परिसर में महापौर सीताराम जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए समाज में एक संदेश देते हुए महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति जितेंद्र सैनी, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, परियोजना अधिकारी तेज कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में वृक्षारोपण करके एक संदेश दिया। वृक्षारोपण के बाद महापौर, उपसभापति जितेंद्र सैनी और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह गोलघर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों पर या अन्य राजनैतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति एवं संवैधानिक तरीके से करूंगा। पिंटू भैया, पानी नहीं, पानी ले भाई, तो पकड़ लिया, मैं छोड़ दे। नीरज थोड़ा पीछे है, वो आज देश का 72वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। मुख्य समारोह हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से मना रहे हैं और वहां पर तिरंगा झंडा फहराया गया है। देश की आज़ादी बड़े ही मेहनत के बाद मिली है। 350 सालों के गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। भगत सिंह, बिस्मिल, असफकुल्ला खां जैसे लाखों शहीद हंसते हंसते देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, तब हमारा देश आज़ादी हुआ। हर भारतवासियों को इसके महत्व को समझना चाहिए और देश की आज़ादी कायम रहे इसके लिए देश के लिए काम करना चाहिए। आर्थिक विषमता काफ़ी बड़ी थी, विभिन्न पिछली सरकारों ने आर्थिक विषमता कम करने के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है बहुत ही तेज़ी से आर्थिक विषमता को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। हमें उम्मीद है कि जब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी मोदी जी का प्रयास चलता रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, गैस चूल्हा दिया जा रहा है, किसानों की आय बढ़ाई जा रही है, दुगना किया जा रहा है। इस तरह करके हम देश की आज़ादी
में बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि जब तक आर्थिक विषमता रहेगी देश को हम ज़्यादा दिनों तक आज़ाद नहीं रख पाएंगे। इस तरह से हमारे देश में काम हो रहे हैं, देश ने बहुत सारी तरक्की की है। जहाँ पर सुई नहीं बनती थी, आज हम चंद्रलोक की सैर कर रहे हैं, सुपरसोनिक बना रहे हैं, और भी बहुत सारे विकास के काम हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। आज के दिन मैं नगर के वासियों के तरफ से, शहर के और नगर निगम के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों और पार्षदों को मैं बधाई देता हूं, और देश के लिए समर्पण की भावना से काम करें, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा।